हेलो एवरीवन दिस इज योर फ्रेंड सी एस डी सलोजा वेलकम इंग ऑल इन और यूट्यूब चैनल क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे

डेटेड फर्स्ट अप्रैल 2020 पहले लिखा हुआ था रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन वन डी में कि वो विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2020 इफेक्टिव होगी बट अब उसको उस डेट को एक्सटेंड करके दो साल से बढ़ाकर अप्रैल वन 2022 कर दिया गया और अगर आप आज उस रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन वन को पढ़ोगे तो बिल्कुल डिट्टो वही रेगुलेशन है जो आपने पहले पढ़ी थी सिर्फ एक चेंज हो गया जो मैंने रेड से मार्क किया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2022 पहले यही डेट 1st अप्रैल 2022 दी थी यही डेट क्या लिखी थी 1st अप्रैल 2020 और अभी इसी को कर दिया 2022 और ये रेगुलेशन क्या कहती है that, कहते हैं दैट टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज शैल इंश्योर दैट चेयर पर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ सच लिस्टेड एंटिटी कहते हैं यहां पे ये बोला गया कि 1st अप्रैल 2022 से जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज होंगी और जो ये टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज हम एक्नोलेज करेंगे तो दैट विल बी बेस्ड अपॉन द मार्केट कैपिटलाइजेशन तो देखो लास्ट में लिखा है द टॉप फाइव हंड्रेड लिस्टेड एंटिटीज शेयर बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज एट द एंड ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च दो प्रीवियस इमीडिएट प्रीवियस ईयर का मतलब हम कह सकते हैं कि इकतीस मार्च दो तक

कहते हैं उस पर्टिकुलर चेयरपर्सन का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना की जरूरत सेकेंड नंबर डेट चेयरपर्सन शुड नॉट बी रिलेटेड टू एम डी और सीईओ एज पर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिलेटेड डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टी

ठीक है तो कुल मिला के प्रोविजन तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे बट अब प्रोविजन में सिर्फ एक माइनर इफेक्टिव होने वाला था पहले 2020 से उसको करके अब कर दिया है 2020. 2020. है ठीक और कहते हैं इसका एक प्रोवाइजो भी था और प्रोवाइजो अभी भी वैसे ही बिल्कुल सेम दिस सब रेगुलेशन शैल नॉट एप्लीकेबल टू एंटिटीज विच डू नॉट प्रमोटर एज पर होल्डिंग पैटर्न फाइल विद स्टॉक एक्सचेंज

वो पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा था उनके ऊपर भी सेक्रेटेरियल ऑडिट की पहले ही रिक्वायरमेंट थी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पहले रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड पेडअप कैपिटल पचास करोड़ या उससे ज़्यादा है या एवरी पब्लिक कंपनी जिसका टर्न ओवर करोड़ या उससे ज़्यादा है इन कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करवाना जरूरी था एज पर सेक्शन टू

पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ रुपीज हंड्रेड करोड़ और मोर कहते हैं किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ऐसा दिखता है कि उस कंपनी के आउटस्टिंग लोन्स बोरोइंगस फ्रॉम बैंक्स और बोरोइंगस फ्रॉम अदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हंड्रेड करोड़ और मोर देन डेट अमाउंट तो उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर भी सेक्रेटेरियल ऑडिट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ जाएगी और यह बहुत बड़ा एमबिटर क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऊपर वाले क्राइटेरिया में फॉल नहीं करती बट उनका लोन का अमाउंट हंड्रेड करोड़ से ज्यादा है और यहाँ प्राइवेट कंपनीज बेसिकली बहुत ज्यादा कवर हो जाती है तो उन कंपनीज को भी यहां पे कवर किया गया है और आखिरी में लिखा था फॉर्मेट ऑफ सेक्रेटेरियल रिपोर्ट शैल एम आर थ्री ठीक अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन भी एड ऑन किया गया और यहाँ पे क्या बोला गया कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल ध्यान से इट इज हेयर बाई क्लैरिफाइड कैपिटल टर्न ओवर और आउटस्टैंडिंग लोन द केस बोरोइंगी जो यहाँ पे कैपिटल की बात हो रही है टर्न ओवर की बात हो रही है लोन की बात हो रही है कौन से साल का कैलकुलेट करना है एग्जिस्टिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन अकाउंट जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी की लेटेस्ट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें चेक करिए कि उनके उनकी पेडवश कैपिटल टर्न ओवर या आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट कितना दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी को चेक करना होगा तो ठीक है क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका एड ऑन हुआ था और ये आप लोगों ने माफ कर दिया ठीक है ये भी अमेंडमेंट कम्प्लीट हो गई आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और चैप्टर आता है गवर्नेंस एंड कम्प्लायंस रिस्क ये बच्चे अभी हम लोग पार्ट ए में ही है, है ना पार्ट ए ऑफ एथिक्स और अब यहाँ पे बात कर रहे हैं गवर्नेंस एंड कम्प्लायंस रिस्क में और यहाँ पे भी एलओडीआर में एक छोटा सा चेंज किया गया और क्या बोला गया यहां पे पेनल्टीज के प्रोविजन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है और यहाँ पे एम सी सॉरी सेबी ने एक सर्कुलर पास करके एक पेनल प्रोविजन को स्ट्रॉन्ग करते हुए देखिए क्या लिखा है कि नॉन कम्प्लाइंस सर्टेन प्रोविजन ऑफ सेबी एल ओडीआर पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से प्रोविजंस के लिए कितना कितना फाइन लगाया गया है तो वो लिस्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बट आपको मेजर देखना होगा कि एक्चुअल में लिखा क्या है कह रहे हैं अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जिसके ऊपर या लिस्टेड एंटिटी ऐसी है या लिस्टेड एंटिटी से रिलेटेड कोई ऐसा स्टेक होल्डर है जिसके ऊपर सेबी एल के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं और वो प्रोविजन्स वो कम्प्लाई नहीं करते तो लिखा नॉन कम्प्लाइंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सेबी एल एंड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ ट्रेडिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और इस सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाएगा बाय द सेबी अगर किसी पर्टिकुलर एंटिटी uh, की ट्रेडिंग को रोकना है कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग को सस्पेंड करना है या कैंसिल करना है तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी सेबी क्या लिखा सेबी इशूड सर्कुलर स्पेसिफाइंग द यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर इंपोजिंग फाइंस पहले नंबर एज अ फर्स्ट रिजॉर्ट फॉर नॉन कम्पलायंस विथ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशन कहते हैं सबसे भी ने अपने सर्कुलर में साफ बोला है कि ये एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर लिस्टिंग रेगुलेशन अप्लीकेबल थी और पहली बार उसने नॉन कम्प्लायंस किया है उस पर्टिकुलर प्रोविजन का तो उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाए ठीक है कहते हैं बाद में पहली बार गलती करी तो फाइन इम्पोज होगा सेकेंड टाइम लिखा फ्रीजिंग ऑफ एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर फ्रीजिंग ऑफ एंटायर शेयर होल्डिंग पूरी शेयर होल्डिंग ही फ्रीज कर दी जाएगी ऑफ द प्रमोटर एंड द प्रमोट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन केस और उनका आगे की ट्रेडिंग को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा इनकेस द नॉन कंप्लायस इज कंटिन्यूइंग एंड ऑर रिपीटेड कहते हैं अगर बार बार आप नॉन कंप्लायंस करोगे एल के प्रोविजन का तो फिर जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ऐसा कर रहे हैं उनकी पूरी शेयर होल्डिंग ही से भी फ्रीज कर देगा और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनके अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा फॉर द सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं ये अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो गया तभी यहां पे हम लोग हैं कि ये सेकंड नंबर है क्योंकि पहले नंबर पे बोला पहली बार गलती करोगे फाइन के साथ छूट जाओ बार बार रिपिटेटिव टर्म्स में गलती करोगे तो आपका अकाउंट भी सीज हो सकता है आपको ट्रेडिंग करने से भी रोका जा सकता है कहते था स्टॉक एक्सचेंज शैल विद हैविंग रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द सिक्योरिटी मार्केट टेक एक्शन इन केस ऑफ नॉन विद द लिस्टिंग रेगुलशन कहते हैं यहां पे स्टॉक एक्सचेंज को पावर दी गई है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिक्योरिटी मार्केट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर कंप्लाय वे में वर्क कर जाए इसलिए उनको पावर दी गई कि वो एक्शन ले सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के किसी भी रेगुलेट कंसर्न पर्सन के अगेंस्ट अगर वो नॉन कंप्लायंस करते हैं ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशन तो पावर दे दी गई स्टॉक एक्सचेंज को जो भी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उसको पावर दे दी गई एंड टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और, of 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 और अगर आपको लगता है कि उनका ट्रेडिंग अकाउंट सस्पेंड करने की जरूरत है तो एक प्रोसीजर आपको दे दिया गया है स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स दिया गया है उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज उनका ट्रेडिंग अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं और सस्पेंशन के बाद अगर वो उसको कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं तो कुल मिला के यहाँ पे सर्कुलर के थ्रू पावर दे दी गई है स्टॉक एक्सचेंज को कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके अगर कंसर्न पर्सन नॉन कंप्लायंस करता है ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशन देशन इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ठीक है लास्ट में आते हैं और लास्ट में आते हैं तो एक चैप्टर आता है आपका पार्ट डी का सी एस आर इन सस्टेनेबिलिटी जहां पे सी एस आर के एप्लीकेबिलिटी दी हुई है और शेड्यूल सेवन में आपको बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटीज आर अलाउड टू बी इंक्लूडेड एज अ सी एस आर एक्टिविटी तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा है कि फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल शैल्सो भी कंसिडर्ड एज सी एस आर एक्टिविटी बाय द कंपनीज कह रहे हैं कुछ एक्टिविटीज को और इंक्लूड किया गया है शेड्यूल सेवन में और उसमें पहले नंबर पर लिखा कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड ट इज़ पी केयर फंड और ये कोविड की वजह से ये इंक्लूड किया गया है और अगर आप कोविड की सिचुएशन में पीएम केयर फंड में भी कोई कंपनी अगर पैसा डोनेट करती है कंट्रीब्यूट करती है तो डैट विल बी अलाउड एज अ सी एस आर एक्सपेंडिचर डेट विल भी टर्मड एज अ सी एस आर एक्सपेंडिचर और उसको सी एस आर एक्सपेंडिचर के लिए अलाउ किया जाएगा यह पहले नहीं था पीएम केयर फंड में पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि आप पी एम केयर फंड में पैसा डालोगे तो डेट विल भी एलिजिबल एज ए सी एस आर एक्सपेंडिचर बट कोविड की सिचुएशन को देखते हुए उसको एलिजिबल कर दिया गया जिससे कि लिस्टेड जो बहुत सारी एंटिटीज़ जिनके ऊपर सी एस आर की अप्लीकेबिलिटी है वो पी एम केयर फंड में पैसा डालें एंड सेकंड नंबर पर बोला गया मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ कोई ऐसी स्कीम में आप ऐसा लगा रहे हैं जहाँ पे जिसके बेनिफिट हो रहा है किसको या आप बेनिफिट पहुँचा रहे हो डायरेक्टली किसको टू द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेटरन्स एंड देर डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग विडोज आप ऐसे आर्मी uh, पर्सनल्स को बेनिफिट पहुंचा रहे हो जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के पार्ट थे या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के पार्ट थे या उनके डिपेंडेंट्स या उनकी विडो उनकी वाइफ को अगर आप एज सच बेनिफिट दे रहे हो तो डैट विल ऑल्सो भी टर्म्ड एज़ अ अलाउड सी एस आर एक्सपेंडिचर इसको भी हम सी एस आर एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे तो ये दो नई एक्टिविटीज इंक्लूड हुई थी सीएसआर एक्टिविटीज में शेड्यूल सेवन में जिसको आपको यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करके दे दिया गया ठीक है तो चार चैप्टर्स की तो ये छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हम लोगों ने कवर कर ली नाउ कमिंग अप ऑन द मेजर अमेंडमेंट कहते हैं सबसे बड़ी अमेंडमेंट आई यहाँ पे कि आप लोगों ने चैप्टर टू में चैप्टर टू विच वॉज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया चैप्टर टू में स्टीवरशिप कोड दिए हुए थे ऑफ इंश्योरेंस कंपनी

और इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करती है एक इन्वेस्टी कंपनी में इसको नाम क्या दे रहे कंपनी इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है कहा पैसा इन्वेस्ट करती है इन्वेस्टी कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी पैसा खुद कहां से लेती है कहते हैं ये खुद पैसा लेती है पब्लिक से अब ध्यान से तो देखिए पब्लिक पैसा लगा रही है इंश्योरेंस कंपनी में और इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक के लिए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर रही है किसी दूसरी इन्वेस्टिंग कंपनी में अब यहां पे हो क्या रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो एक्चुअल में उसका खुद का नहीं है वो तो पब्लिक का है अब अगर इंश्योरेंस कंपनी बिना सोचे समझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगी और उस कंपनी से अगर रिटर्न ना मिला तो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा नहीं डूबेगा एक्चुअल में तो पब्लिक का पैसा डूबेगा कह रहे हैं अगर यहां इंश्योरेंस कंपनी किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे जो कंपनी रिटर्न ही नहीं दे पा रही अगर इन्वेस्टिंग रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देगी तो इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक को कैसे रिटर्न देगी क्योंकि देखें, तो, एक है, no तो कहते हैं यहां पे फिर इंश्योरेंस कंपनी की बहुत बड़ी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है पब्लिक से पैसा रिसीव कर रही है तो वो बहुत सोच समझ कर एक कंपनी में इन्वेस्ट करे और जिस भी कंपनी में वो इन्वेस्ट करे उसके ऊपर एक नजर बना के रखे और यहां पे आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी का स्टीलरशिप रोल एक सुपरवाइजरी रोल आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी का कि इंश्योरेंस कंपनी जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है उस कंपनी की वर्किंग पे अपनी नजर बना के रखे क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंडायर सिचुएशन इन्वेस्टिंग कंपनी अगर प्रॉपर रिटर्न नहीं दे पाई तो इंश्योरेंस कंपनी का तो नुकसान होगा हो ही होगा साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल पब्लिक का नुकसान होगा तभी यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज आर सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन लिस्टेड कंपनीज अच्छा जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक कंट्रोल एक्वायर हो जाता है तो इन्वेस्टिंग कंपनी पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग कंपनी को भी पता होता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है तो वो अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा एक छोटा इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकता लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जरूर ला सकता है क्योंकि उसका शेयर होल्डिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है फिर देखिए कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज आर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल इन कंपनीज एंड द इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड बाय देम एज कस्टोडियन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पैसा आया है वो सब खुद का नहीं है बल्कि वो तो उसने खाली एक पॉलिसी होल्डर के बिहाफ पे कस्टोडियन की तौर पे होल्ड किया हुआ है कहते द स्टेट ऑफ गवर्नेंस ऑफ द एंड इंश्योरेंस कंपनीज मस्ट इंश्योर डेट कंपनीज मेंटेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एट हाई लेवल और ये इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो जिस कंपनी में पॉलिसी होल्डर से लिया हुआ पैसा इन्वेस्ट कर रही है उस इन्वेस्टी कंपनी में उस इन्वेस्टिंग कंपनी में वो एक प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज करे और ये ध्यान दे कि वो एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करे जिसकी कॉरपोरेट गवर्नेंस की एप्लीकेबिलिटी प्रैक्टिकेबिलिटी एडॉप्टेबिलिटी एट दी ऑप्टिमम लेवल है अगर वो कंपनी प्रॉपर कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करती तो वो कहीं ना कहीं रिस्की कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी को ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए कहते इंश्योरेंस कंपनी शुड प्ले अ एक्टिव रोल इन द जनरल मीटिंग्स ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी कहते इसलिए इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन्वेस्टी कंपनी में उसकी जनरल मीटिंग्स में क्योंकि अगर हम ऐसे बोले तो इन्वेस्टी कंपनी का शेयर होल्डर तो इंश्योरेंस कंपनी कहलाई जा रही है ना वो बात अलग है कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसा पब्लिक ने दिया होगा लेकिन इन्वेस्टिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर होल्डर इज इंश्योरेंस कंपनी और जब जनरल मीटिंग होगी तो शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा और उस शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में इंश्योरेंस कंपनी को अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा कहते हैं एंड एंगेज विद द मैनेजमेंट एट अ ग्रेटर लेवल टू इंप्रूव देयर गवर्नेंस और ये इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन्वेस्टिंग कंपनी के मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करें और ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिटर्न गेन करने की कोशिश करें दिस विल रिजल्ट इन इंफॉर्म डिसीजन बाय द पार्टीज अगर वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करेगी तो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन से डिसीजन लिए जाने बाय द इन्वेस्टिंग कंपनी एंड इम्प्रूव द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द इंश्योर विच विल अल्टीमेटली बेनिफिट द पॉलिसी होल्डर और अगर इन्वेस्टिंग कंपनी रिटर्न देती है रिटर्न देती है किस इंश्योरेंस कंपनी को तो अल्टीमेटली ये रिटर्न पास ऑन हो जाएगा किसके पास पॉलिसी होल्डर के पास और यही तो हम ध्यान देखना चाहते हैं यही इसी चीज़ को तो हम अचीव करना चाहते हैं थ्रू दिस स्कूल और कहते हैं इसीलिए इन दिस रिगार्ड द अथॉरिटी IRDA Authority IRD Insurance Regulatory Development Authority uh, had issued a code for stewardship for the insurance companies. And the code was in the form of a set of principles which the insurance companies needed to adopt and made applicable from financial year 2017-18. कहते हैं वैसे ये स्टीवर्डशिप कोड 2017-18 से एप्लीकेबल है इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर और हर इंश्योरेंस कंपनी को ये कोड फॉलो करना होता है बट गाइडलाइंस फॉर ईच प्रिंसिपल अंडर द कोड हैड ऑल्सो बीन प्रिस्क्राइब बाई द अथॉरिटी और सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं दिया प्रिंसिपल के आगे गाइडलाइंस भी लिखी है कि किस तरीके से उनको अडॉप्ट करना है और अब ये गाइडलाइंस रिवाइज हो गई हैं और उन रिवाइज गाइडलाइंस को हम लोगों ने इस बार कवर करना है कहते हैं एज पर द कोर्ट इंश्योरेंस शुड हैव अ बोर्ड अप्रूव्ड स्टीवरशिप पॉलिसी कहते हैं कोर्ट के अकॉर्डिंग न्यू ये स्टीवरशिप बोर्ड के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी का जो बोर्ड है उसको एक स्टीवरशिप पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी वी शुड आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द स्टीवरशिप and how टू अंडरटेक एंड हाउ द पॉलिसी responsibilities टू फुलफिल द wealth of its policy holders who are ultimate beneficiaries. अल्टीमेट बेनिफिशिये जो इंश्योरेंस कंपनी का बोर्ड एक स्टीवरशिप पॉलिसी अडॉप्ट करेगा उस स्टीवरशिप पॉलिसी में ध्यान देना होगा बोर्ड को कि वो अपनी स्टीवरशिप रिस्पांसिबिलिटीज को समझे और उन स्टीवरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए कोशिश करें कि उस इंश्योरेंस कंपनी की वेल्थ भरे साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स की वेल्थ बढ़े क्योंकि अल्टीमेटली जो बेनिफिशरीज हैं वो तो पॉलिसी होल्डर्स ही हैं क्योंकि ध्यान दो इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा तो लगा ही नहीं रहा वो तो अपने पॉलिसी होल्डर का पैसा लगा रहा है ठीक है कहते हैं नाव आईआरडीए आई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस और इसी वजह से डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एग्जिटिंग गाइडलाइंस को रिव्यू कियाप कोस कोड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस इन इंप्लीमेंटेशन कंप्लाइंस बाय द इश्योरस एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन दिस रिग्ड एंड अकॉर्डिंगलीवरशिप कोड हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड प्लेडर विदाइज गाइडलाइंस ऑन स्टीवरशिप कोड फॉर इंश्योरस इन इंडिया और एक नई रिवाइज गाइडलाइंस लॉन्च की गई और यह नई जो गाइडलाइंस हैं ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज को अडॉप्ट करनी है विद इन थ्री मंथ्स इन गाइडलाइंस के आने के तीन महीने के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनीज को इनको अडॉप्ट भी करना है आगे देखिए लिखा हुआ है ऑल द इश्योरेंस नीड टू रिव्यू एंड अपडेट देयर एग्जिस्टिंग स्टीवरशिप पॉलिसी बेस्ड ऑन द रिज गाइडलाइंस ऑनवरशिप कोड फॉर इंश्योरेंस इन इंडिया विद इन थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द सेम एंड द अपडेटेड अपडेटेडीवरशिप पॉलिसी नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो भी नई पॉलिसी बनेगी एज पर न्यू स्टीवरशिप कोड उसको अप्रूव करवाना होगा फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर जो अपडेटेड पॉलिसी बनेगी द अपडेटेड पॉलिसी शुड बी डिस्कलोज ऑन द वेबसाइट विद इन थर्टी डेज ऑफ अप्रूवल बाई द बोर्ड ऑफ ऑल द इंश्योरेंस हर इंश्योरेंस कंपनी का बोर्ड जैसे ही इन इस पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा न्यू स्टीवरशिप कोड के अकॉर्डिंग पॉलिसी को अमेंड करके अडॉप्ट करेगा विद इन थर्टी डेज वो वेबसाइट पर पब्लिश हो जानी चाहिए अलॉन्ग पब्लिक डिस्लोजर जो भी पब्लिक डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देनी है वो समथिंग एनी सबसिक्वेंट चेंज बाद में अगर किसी भी तरीके का चेंज होता है या मॉडिफिकेशन होता है टू द स्टीवरशिप पॉलिसी तो डैट शुड ऑल्सो भी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज एट द टाइम ऑफ अपडेटिंग द पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन द वेबसाइट और इसके अडॉप्ट करने के बाद अगर उस पॉलिसी में किसी भी तरीके का चेंज होता है तो उसको भी आ, अपनी वेबसाइट पर डिस्लोज करिए अच्छा यहाँ पर वेबसाइट पर डिस्कलोजर करवाने का मेन रीज़न क्या है कि वेबसाइट पर डिस्कलोजर अगर इंश्योरेंस कंपनी करेगी तो एक तरीके से जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टर है इंश्योरेंस कंपनी का कह दे पॉलिसी होल्डर उनको इस चीज की अश्योरेंस मिलेगी कि जिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी को वो पैसा दे रहे हैं उनके पास एक स्टीवरशिप पॉलिसी है और इस स्टीवरशिप पॉलिसी के थ्रू वो इन्वेस्टिंग कंपनी पर एक कंट्रोल एक्वायर करते हैं ठीक है नाउ कमिंग अप ऑन द स्टीवरशिप कोर्ट यहाँ पे सात प्रिंसिपल्स आपको दिए गए हैं और ये सेवन प्रिंसिपल्स आपको गाइडेंस के साथ दिए गए हैं कि इन प्रिंसिपल का मेन गाइडेंस पर्पस क्या है और ये सात प्रिंसिपल एक इंश्योरेंस कंपनी को अपनी स्टीवरशिप पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करने हैं और इन्हीं सात प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये कोड तैयार हुआ है ठीक है कहते पहले प्रिंसिपल नंबर वन पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद मैं लिखवा दूंगा एक साथ सात प्रिंसिपल एक जगह पे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है कहते सबसे पहले नंबर पे इंश्योरर्स इश्योर insurer कौन है इंश्योरेंस कंपनी दे आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी ऑन द डिस्चार्ज ऑफ द स्टीवरशिपिपिप रिस्पांसिबिलिटी एंड पब्लिकली डिस्को सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है इंश्योरेंस कंपनी का कि इंश्योरेंस कंपनी को अपनी एक स्टीवरशिप पॉलिसी बनानी है और इस स्टीवरशिप पॉलिसी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन करना है और पब्लिकली डिस्क्लोज करना है कि ये स्टीवरशिप पॉलिसी उन कंपनी की है क्या

और इसीलिए हम लोगों ने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी जहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है है वो इन्वेस्टी और इन्वेस्टी कंपनी कंपनी और का रिटर्न अगर बेटर हुआ तो ही इंश्योरेंस कंपनी को फायदा है और क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पैसा इंडस्ट्री कंपनी नहीं लगाया वो तो पब्लिक का पैसा लगाया है अगर इंश्योरेंस कंपनी को बेटर रिटर्न मिलेंगे फ्रॉम द इन्वेस्टिंग कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी उन स्मॉल पॉलिसी होल्डर्स को भी बेटर रिटर्न दे पाएगी पॉलिसी होल्डर्स का पैसा डूब ना जाए इसीलिए आई बीच में रोल प्ले करने आई और उसने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक तरीके से कोड के थ्रू एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन डाली कि आप अपनी इन्वेस्टी कंपनी पे प्रॉपर नजर बना के रखिए ठीक है कहते हैं स्टीवरशिप एक्टिविटीज इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड एंगेजिंग विद कंपनीज ऑन मैटर्स अच्छा कौन सी कंपनीज कौन सी कंपनीज कहते हैं ये इन्वेस्टी कंपनीज की बात हो रही है अच्छा फिर ध्यान से स्टीवरशिप एक्टिविटी इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड एंगेजिंग विद कंपनीज ऑन मैटर एज उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री कंपनी की क्या स्ट्रेटेजीज हैं परफॉर्मेंस रिस्क कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्लूडिंग कल्चर एंड कहते हैं ये कुछ मेजर मेजर हेडिंग्स दिखी हैं जो एक पर्टिकुलर कंपनी की वर्किंग को इफेक्ट कर सकती है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है इन कंपेरिजन टू द स्टैंडर्ड्स इन कंपेरिजन टू द टारगेट्स कंपनी का रिस्क फैक्टर कितना है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है कंपनी में मेजर मेजर चेंजेस कहां हो रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट की रेम्यूरेशन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि यहां पर जिन पर्टिकुलर फैक्टर्स पे इंश्योरेंस कंपनी अपना कंट्रोल एक्वायर करेगी एक तरीके से मॉनिटरिंग एक्टिविटी रोल प्ले करेगी ठीक है कहते हैं द पॉलिसी शुड क्लियरली डिफाइन द जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी इट शुड क्लियरली डिफाइन द दीवरशिप रिस्पॉसिबिलिटी एज आइडेंटिफाइड बाय द इंश्योरर एंड हाउ इट इंटेंस टू फुलफिल द सेम टू एनहांस द दिल्ड ऑफ इट क्लाइंट्स

और फिर लास्ट में पॉलिसी को ये भी दिखाना है कि किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी स्टीवरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस तरीके से फ्रेम किया है जिससे कि पॉलिसी होल्डर या जो क्लाइंट है जो बेनिफिशियरी है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड मैनर में वर्क कर रहा है ठीक है पहला प्रिंसिपल तो ये हो गया कि पॉलिसी होनी चाहिए पॉलिसी में स्टीवरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और साथ ही साथ इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फ्रेम करिए कि क्लाइंट का जो मॉनिटरी टर्म्स में गेन है वो इंप्रूव हो सके

आउटसोर्स किया गया है जिस भी फर्म को वो पॉलिसी के रिगार्डिंग वर्किंग को वो प्रॉपरली मैनेज उस चीज को ठीक है बच्चे नाउ कमिंग अपॉन द द सेकंड सेकंड प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड इज ध्यान से पढ़िए क्या कि इंश्योरर्स शुड हैव अ क्लियर पॉलिसी ऑन हाउ दे मैनेज ऑफ इंटरेस्ट इन फुलफिलिंग देयर स्टीवरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पब्लिकली डिस्कलोजर पहले नंबर पे सिर्फ पॉलिसी फ्रेमिंग की बात हुई अब बात हो रही है कि अगर किसी तरीके का कोई कंफ्लिक हो जाता है बिटवीन द इन्वेस्टिंग कंपनी एंड द इंश्योरेंस कंपनी लड़ाई हो रही है इंश्योरेंस कंपनी कुछ और चाहती है और इसकी इन्वेस्टिंग कुछ और चाहती है तो ये कंफ्लिक कहीं क्लाइंट के पैसे को नुकसान बना लिया है ये कन्फ्लिक्ट कहीं ऐसा ना हो कि अल्टीमेटली उस कंफ्लिक्ट का नुकसान पॉलिसी होल्डर बियर कर रहा है क्योंकि पैसा तो उसका लगा है ना तो क्या स्टीवरशिप पॉलिसी में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन है प्रिंसिपल नंबर टू कहता चाहिए और किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे उस को उसको पब्लिकली डिस्क्लोज़ भी करिए जिससे कि आप इसको कैसे पॉलिसी अच्छा, मतलब बनाओ फिर उसको रेगुलरली मेंटेन भी करो सिर्फ यह नहीं कि पॉलिसी बनाने के बाद छोड़ दो एंड पब्लिकली डिस्क्लोज़ अ पॉलिसी फॉर आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग आइडेंटिफाई करिए कहां कन्फ्लिक हो सकता है फिर उस के राइज होने के बाद उसको मैनेज करिए कि फ्यूचर में वो राइज ही ना हो एंड मैनेजिंग ऑफ इंटरेस्ट विद द एम ऑफ टेकिंग ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू पुट द इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट और बेनिफिशरी फर्स्ट कहते हैं इस कंफ्लिक को इस तरीके से खत्म करिए कि जो बेनिफिशियरी है जो क्लाइंट है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड मैनर में वर्क करता रहे ठीक है कहते हैं द पॉलिसी शुड आइडेंटिफाई सुनैरियोज ऑफ लाइकली कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट

और इंश्योरेंस कंपनी को यह ध्यान देना है कि इन्वेस्टिंग कंपनी की ग्रोथ की कॉस्ट पे इन्वेस्टर का पैसा ना डूब जाए इन्वेस्टर है पॉलिसी होल्डर तो इन दोनों के कंफ्लिक को मैनेज करने का तरीका आपको डिस्क्लोज करना होगा एंड आपको इस चीज को समझना होगा ठीक है प्रिंसिपल नंबर थ्री नंबर थ्री कहता है इंश्योरेंस शुड मॉनिटर देयर इन्वेस्टिंग कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी को भैया ध्यान देना होगा यहां इंश्योर इन्वेस्टिंग कंपनी की एक्टिविटीज को प्रॉपरली मॉनिटर करे क्योंकि अगर उसने इन्वेस्टिंग कंपनीज की एक्टिविटीज को मॉनिटर नहीं किया तो देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां पे इन्वेस्टिंग कंपनी ऐसा एक्टिविटीज करे जो इंश्योरेंस कंपनी के कंट्रोल से ही बाहर हो जाए और अगर इन्वेस्टिंग कंपनी ने इंश्योर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अपने आप को लूप में नहीं रखा तो इन डायर सिचुएशन देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि इन्वेस्टिंग कंपनी में लगा पैसा जो पॉलिसी होल्डर का है वो डूब गया तभी कह रहे इंश्योरर्स शुड हैव अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ दर इन्वेस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस पहला नंबर पॉइंट भी यही कहता था लीडरशिप इफेक्टिवनेस सक्सेशन प्लानिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग एंड अदर पैरामीटर इंपॉर्टेंट कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉपर मैकेनिज्म तौर पे मॉनिटर करना होगा इन्वेस्टिंग कंपनी की एक्टिविटीज को उनकी परफॉर्मेंस को उनके लीडरशिप रोल को उनके बोर्ड में टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग क्या हैं किस तरीके से वो वर्क करते हैं सक्सेशन प्लानिंग क्या होगी आज ऐसा बोर्ड है बाद में क्या होगा इन चीज़ों को एनालाइज करना है इंश्योरेंस मे और मे नॉट विश टू हैव कहते हैं जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करे बोर्ड में बट अगर इंश्योरेंस कंपनी ऐसा चाहती है तो वो डिस्क्लोज करे अपनी स्टीवरशिप पॉलिसी में कि वो ऐसा कुछ चाहती है तो कहते हैं इंश्योरर्स मे और मे नॉट विश टू तो हैव मोर पार्टिसिपेशन थ्रू नॉमिनेशन ऑन द बोर्ड फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टिंग कंपनी लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी का एक नॉमिनी हमेशा इन्वेस्टिंग कंपनी के बोर्ड पर रोल प्ले करना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इन्वेस्टिंग कंपनी कम चाहती है ऐसा इन्वेस्टिंग कंपनी नहीं चाहती कि एज सच किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पर्सन हमारे सिर पर बैठ के सारी वर्किंग दे बट इंश्योरेंस कंपनी को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा एक पर्सन हो जिससे कि इन्वेस्टिंग कंपनी की वर्किंग के बारे में हमको प्रॉपरली पता चलता रहे कहते हैं एन इश्योर हु मे विलिंग कहते हैं अगर इंश्योरेंस कंपनी विलिंग है टू हैव नॉमिनेशन ऑन द बोर्ड ऑफ एन इन्वेस्टिंग कंपनी तो इट शुड इंडिकेट इन इट्सिप स्टेटमेंट दिलिंगनेस टू डू सो एंड मेनिजम बाई विच दिस इट कु डन तो कहते हैं जनरली वैसे इंश्योरेंस कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग कंपनी में उनका एक नॉमिनी होना चाहिए जिस नॉमिनी के थ्रू उनको इन्वेस्टिंग कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे क्योंकि कोई भी मेजर डिसीजन इन्वेस्टर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको अफेक्ट कर सकता है तो इन नार सिचुएशन ऐसे डिसीजन को लेने से पहले अगर आपका नॉमिनी वहाँ पर होगा तो आपको प्रायर हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है कहते हैं देन फोर्थ नंबर प्रिंसिपल कहते हैं इंश्योरर्स शुड हैव अ क्लियर पॉलिसी ऑन इंटरवेंशन इन दर इन्वेस्टिंग कंपनी कहते हैं आप इन्वेस्टिंग कंपनी में बार बार टांग नहीं लड़ा पाओगे लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगे कि इन्वेस्टिंग कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जिसका एडवर्स रिमार्क आपके ऊपर पड़ने वाला है जिसका एडवर्स इंपैक्ट पॉलिसी होल्डर के पैसे पर पड़ने वाला है तो आपको बीच में टांग लड़ानी पड़ेगी इंटरवेंशन करनी पड़ेगी तभी लिखा इंश्योरेंस शुड सेट आउट द सर्कमस्टांसिस विल एक्टिवलीं कहते हैं इंश्योरर पहले ही सरकम को बता दे कि इन इन सिचुएशन अगर ऐसी कोई सिचुएशन इन्वेस्टिंग कंपनी आपकी कंपनी में आती है तो हम बीच में टांग लड़ाएंगे हम बीच में इंटरवेंट करेंगे एंड विल रेगुलरली असेस द आउटकम्स ऑफ डूइंग सो और उसका फिर जो आउटकम निकलेगा उसको प्रॉपरली हम एनालाइज करेंगे इंटरवेंशन शुड बी कंसिडर रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज फॉलोड और यहाँ इंटरवेंशन का मतलब यही नहीं है कि हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में लिखा है या नहीं लिखा वैसे तो लिखा होना चाहिए अगर इन्वेस्टमेंट है तो वी विल इंटरवेंट इन सर्टन सिचुएशन और वो वो सिचुएशन जनरली तब होंगी जब एक्चुअल में लग रहा होगा कि इन्वेस्टिंग कंपनी का स्ट्रक्चर ही चेंज होने वाला है हो सकता है जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टिंग कंपनी ने जब हमसे पैसा लिया था तो वो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में वर्क कर रहे थे अब वो अपना लाइन ऑफ बिजनेस ही चेंज करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है भाई तुमने पैसा तो हमसे क्या कह के लिया था और तुम क्या कर रहे हो तो इंटरवेन करना जरूरी है ठीक है कहते हैं इन एडिशन अ लो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट इन इट सेल्फ अ रीजन फॉर नॉट इंटरवेनिंग और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हमने कम पैसा लगाया हुआ है तो हम इंटरवेंट नहीं करेंगे भाई पैसा लगाया है हमारे पैसे से ही तुम बिजनेस के डिसीजन ले रहे हो हम इंटरवेंट तो करेंगे इंस्टेंस वैन इश्योर मे वॉन्ट टू इंटरवेंट इंक्लूड कहते हैं ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं जहां पे इंश्योरेंस कंपनी इंटरवेंट कर सकती है इन द डिसजन ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी कहते हैं लाइक कंपनीज स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस गवर्नेंस रेमुनरेशन और अप्रोच टू रिस्क इंक्लूडिंग दोज डैट में अराइज एंड एनवायरमेंटल मैटर्स कहते हैं ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जहां पे इंश्योरेंस कंपनी इंटरवेंट कर सकती है इन्वेस्टिंग कंपनी में लेकिन ये सिर्फ इतनी ही सिचुएशन हो सकती है ऐसा बिल्कुल नहीं है इसके अलावा और भी हो सकती है कहते हैं द मीटिंग शुड बी हेल्ड इन अ कॉन्फिडेंशियल मैनर कह रहे हैं इस सिचुएशन में जब इन्वेस्टिंग कंपनी के साथ इंश्योरेंस कंपनी मीटिंग करती है तो इसको कॉन्फिडेंशियल मैटर कॉन्फिडेंशियल मैनर में रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये जितने भी ऐसी सिचुएशंस हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए If dissatisfied with the response of the investing company, the insurer may decide to escalate the matter in accordance with the predefined policy. पॉलिसी और अगर ऐसा लगता है कि investing company तो insurance company की बात को मानने को तैयार ही नहीं है तो इन situation insurance company कंपनी चीज को publicly release कर सकती है या इस particular matter में जो भी वो decision लेना चाहे उसको वो जिस तरीके से पॉलिसी में लेना है लिखा है उस तरीके से वहाँ पे एक्शन ले सकती है क्या पैसा बाहर निकाल सकती है कह रहे हैं ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिसाइड होगा कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया गया है पैसा निकालने लायक है या नहीं है ठीक है कहते हैं नाव फोर फिफ्थ नंबर पॉलिसी कहता है कि प्रिंसिपल कहता है कि इंश्योरर्स शुड हैव अ क्लियर पॉलिसी फॉर कोलैबोरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विच रिक्वायर टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स कहते हैं जरूरी थोड़ी ना कि इन्वेस्टिंग कंपनी में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थ्री इन तीनों ने ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एक इन्वेस्टिंग कंपनी में और जब सबने ही सारे ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तो कहीं ना कहीं हर किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एक बेनिफिशियरी होगा और हर एक इन्वेस्टर अपने बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहेगा बिल्कुल सही बात है तो कहते हैं पे ध्यान देना होगा कि क्या पॉलिसी में ऐसा कुछ है कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाकी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्सिटीश्टियो इन्वेस्टर्स के साथ कोलेबोरेट करें और इन्वेस्टिंग कंपनी पर प्रेशर डाल क्योंकि अगर ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग कंपनी से बाहर निकल गए तो कंपनी इवेस्टिंग वैसी बर्बाद है तो इन्वेस्टिंग कंपनी को कोलाबोशन का बेनिफिट तो इन्वेस्टिंग uh, कंपनी को कोलाबोशन का रिस्क तो हमेशा ही रहेगा और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए कोलाब्रेशन बहुत अच्छा है तभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि फॉर इशूज डेट रिक्वायर लार्जर एंगेजमेंट विद द इन्वेस्टिंग कंपनी कह रहे कोई ऐसे इशू हैं जहां पे लार्जर एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट है एक बहुत हैवी प्रेशर डालने की रिक्वायरमेंट है तो इंश्योरेंस मे चूज टू एक्ट कलेक्टिवली विद अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ देयर

इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बींग का शेयर होल्डर वहाँ पर वोटिंग करें और वोटिंग में एक्चुअली पार्टिसिपेट करें और उस वोटिंग एक्टिविटीज़ के सारे डिस्कलोजर भी कहते हैं इंश्योर शुड नॉट जस्ट ब्लाइंडली सपोर्ट द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा इंश्योरेंस कंपनी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इंडस्ट्री कंपनी के बोर्ड पे भरोसा नहीं कर सकती बट उसके अलावा इट शुड टेक देयर ओन वोटिंग डिसीजन टू प्रमोट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी एंड इन टर्न इनहैंस द वैल्यू ऑफ दर इन्वेस्टर और उसको बहुत सोच समझ के वोटिंग डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इसके वोट का मार्जिन बहुत बड़ा है इसके वोट देने या ना देने की वजह से डिसीजन ऊपर नीचे हो सकता है इस वजह से इनको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए द वोटिंग पॉलिसी शुड भी पब्लिकली डिसलोज वोटिंग पॉलिसी होगी उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करिए किस बेसिस पे वोटिंग वोटिंग की जाती है द वोटिंग डिसीजन टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टिंग कंपनी शुड ऑल्सो भी डिस्क्लोज पब्लिकली एलॉन्ग विद द रैनल फॉर सच डिसीजन इन एक्जर बी नहीं यहाँ पे ए कर दीजिएगा एन एक्जर बी में एनुअल सर्टिफिकेट है यहाँ पर बोला कि जो वोटिंग डिसीजन आप ले रहे हो उसको आप पब्लिकली डिस्क्लोज करिए एज इन ए मतलब ए में जिस तरीके से uh, रिपोर्टिंग का तरीका दिया हुआ है उसी रिपोर्टिंग के तरीके को अडॉप्ट करके कर आप उसको रिपोर्ट करिए ठीक है कहते हैं इंश्योरेंस शुड डिस्क्लोज द यूज मेड इफ एनी ऑफ प्रोक्सी वोटिंग और अदर वोटिंग एडवाइजरी फॉर्म्स लाइक प्रोक्सी एडवाइजरी फॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा तो कहते हैं कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स की सर्विसेज ले रही है तो उसके बारे में भी इंश्योरेंस कंपनी डिस्क्लोज करें क्योंकि फिर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स के डिसीजन के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी अपना डिसीजन लेगी तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी रिलाय कर रही है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म पे तो इस वजह से बोला गया कि अगर आप ऐसे किसी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस ले रहे हो तो आप उसको डिस्क्लोज करो

इंश्योरेंस कंपनी को मैंडेटरी एक्टिव पार्टिसिपेशन करना ही चाहिए कहते हैं अगर यह क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन इंश्योरेंस कंपनी को पार्टिसिपेट करना ही चाहिए इन्वेस्टिंग कंपनी में उनके वोटिंग डिसीजन में कहते हैं क्या है यह क्राइटेरिया तो कहते हैं देखिए लिखा है साइज ऑफ द एयूएम एयूएम मतलब यहां पे असेट अंडर मैनेजमेंट असेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं साइज ऑफ द एयूएम ऑफ द इंश्योर रहे हैं अगर एयूएम मतलब अंडर मैनेजमेंट का साइज इंश्योरेंस कंपनी का टू लैख फिफ्टी थाउजेंड करोड़ तक का है और उनकी कंपलसरी वोटिंग रिक्वायर्ड इफ द इंश्योरेंस इफ द इंश्योर होल्डिंग ऑफ द पेड पेडअप कैपिटल ऑफ इन्वेस्टिंग इन परसेंटेजेस और उन्होंने इन्वेस्टिंग कंपनी में तीन परसेंट या उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपलसरी वोटिंग रिक्वायर्ड हंड्रेड परसेंट रि वोटिंग चाहिए कहते हैं और अगर ये अमाउंट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड करोड़ से ज्यादा का है और यहाँ पे जो कंपलसरी वोटिंग यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है और पेड अप कैपिटल में आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है जो इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग है इन द इन्वेस्टिंग कंपनी वो पांच से ज्यादा है या पांच है तो इन दैट सिचुएशन कंपलसरी वोटिंग की रिक्वायरमेंट है इसका मतलब दो क्राइटेरिया दे दिए कि टू लाख फिफ्टी थाउजेंड करोड़ की एयूएम और प्लस परसेंटेज ऑफ होल्डिंग दी है थ्री परसेंट और मोर अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है मैंडेटरी आपको वोटिंग डिसीजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर अगर आपका ए यू एम टू लाख फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा हो जाता है अबव टू लाख फिफ्टी थाउजेंड करोड़ से ज़्यादा हो जाता है इन दैट सिचुएशन प्लस जो परसेंटेज है वो पाँच परसेंट या उससे ज़्यादा हो जाती है तो इन दैट सिचुएशन अगेन आपको यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो आपको मैडेट्रीली वोटिंग डिसीजन में पार्टिसिपेट करना ही करना है इसका एक तरीके से आईआर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट डाल रही है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि आपको वहाँ पे तो वोटिंग देनी ही पड़ेगी और वोटिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिस्कलोजर भी देना पड़ेगा अच्छा इंश्योरेंस कंपनी क्यों इतनी जद्दोजहद कर रही है कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी अपनी बेनिफिशियरी के बेनिफिट को बचाना चाहती है इंश्योरेंस कंपनी क्यों ऐसा करे ऐसा भी तो हो सकता है देखो आई आर डी ए आई यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों ले रही है कहीं ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस कंपनी लोगों का पैसा ले

इतनी इतनी मेहनत की है कह रहे हैं कहता है कि आपने जो कुछ किया है इस एक्टिविटी के नाम से वो सब आप पीरियोडिकली रिपोर्ट करिए और सारे स्टेक होल्डर्स को उसके बारे में बताइए तभी लिखा लास्ट में इन एडिशन टू द रेगुलर फुलफिलमेंट ऑफ देर स्टीवरशिप एक्टिविटीज कह रहे हैं जो स्टीवरशिप एक्टिविटीज है उनको फुलफिल करिए बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शुड आल्सो प्रोवाइड अ पीरियॉडिक रिपोर्ट टू देयर अल्टीमेट बेनिफिशियरीज बट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक रिपोर्ट तैयार करके अपने पॉलिसी होल्डर को दे ऑफ हाउ दे हैव डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ फॉर्मेट विच इज इजी टू अंडरस्टैंड और इस मैनर में प्रेजेंट करें कि एक नॉर्मल पॉलिसी होल्डर को पता लग सके कि, कि किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रही है हाउ एवर इट में भी क्लैरिफाइड एट कंप्लाइंस विदोर्स एट प्रिंसिपल डज नॉट कंस्टिट्यूट एन इन्विटेशन टू मैनेज द अफेयर ऑफ अ कंपनी

ठीक है लास्ट पैराग्राफ इस पर्टिकुलर कोड का क्या कहता है ऑल इंश्योरेंस कंपनीज ऑल इंश्योरर्स शुड कंप्लाई विद ऑल द प्रिंसिपल्स गिवन इन द गाइडलाइंस एंड सबमिट एन एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस कह रहे हैं सारी इंश्योरेंस कंपनी को एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस इसको हम शॉर्ट में एसीसी भी बोलते हैं कहते हैं हर इंश्योरेंस कंपनी को जो ये गाइडलाइंस फॉलो कर रही है उनको एक एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस देना पड़ेगा विच इज टू बाय अप्रूव कंपनीज बोर्ड टू द अथॉरिटी आई को ये एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस सबमिट किया जाएगा एज पर एक्सर बी ड्यूली सर्टिफाइड बाई सी एंड कम्प्लायंस ऑफिसर ऑन और बिफोर थर्टियथ जनवरी एवरी थर्टी जून एवरी ईयर कहते हैं हर तीस जून से पहले हर इंश्योरेंस कंपनी को इन जिनके ऊपर ये कोड एप्लीकेबल हैं उन इंश्योरेंस कंपनी को एक एनुअल कम्पलायंस सर्टिफिकेट इशू करना है और वो एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेट सबमिट किया जाएगा टू द आई आर डी आई बाई एवरी थर्टी जून ठीक है तो उम्मीद है आपको बच्चे ये कोड समझ में आ गए ये कोड आपको क्लियर हो गए यहाँ पे मैं आपको जरा पांच मिनट का टाइम देता हूँ कि पहले आप एक बार जरा फटाफट से इसको रिवाइज कर लो एक बार वीडियो पॉज करके फटाफट से रिवाइज कर लो देन उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक पे आते हैं और आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और अपनी सप्लीमेंट्री वाले पोर्शन को भी खत्म करते हैं ना लास्ट हमारे पास जो एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है वो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर वन का चैप्टर नंबर वन में एक यूके के स्टीवरशिप कोड आपने पहले जो पढ़ा था वो 2010-12 वाला पढ़ा था अब वो 2020 थाउजेंड यूके यू स्टीवरशिप कोड आ गया तो इसको और पढ़ेंगे और अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे बट बिफोर डट मैं पांच मिनट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ वो फटाफट से सारा रिवाइज कर लीजिए देन इस पर आ जाइए फटाफट से रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको एक दिमाग में बात बैठ जाएगी चलिए चलो बच्चे तो अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं और इसको कंप्लीट करने के बाद वीडियो को कंप्लीट करते हैं तो कहते हैं एक हम लोगों का नया टॉपिक ऐड हुआ है चैप्टर नंबर वन में दैट इज न्यू 2020 यूके्स ट्रुशिप कोड कहते हैं एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल है कहते फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल ने ये यू के कोड इनकॉर्पोरेट किया और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल क्या कहती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस यू के कोड को फॉलो करना चाहते हैं वो इस कोड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो इस कोड के इस पर्टिकुलर कोड के सिग्नेटरी बन सकते हैं सिग्नेटरी बनने का मतलब ये है कि आप एक एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो विद एफआरसी और एफआरसी में जब आप एग्रीमेंट करोगे एफ के साथ तो आपको ये यूके स्टीवरशिप कोड फॉलो करना पड़ेगा अगर आप यूके स्टीवरशिप कोड फॉलो कर रहे हो तो आपको इसके प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे प्लस हर साल की रिपोर्टिंग देनी होगी टू द एफ फिर एफ अपने सिग्नेटरीज की रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे और वो ये देख बताएंगे कि, कि किस तरीके से उनके सिग्नेटरीज ने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम्स का ये जो कोड है इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर सकता है बट जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा इस पर्टिकुलर कोड में उसको हर साल एक रिपोर्टिंग करके देनी होगी टू द एफआरसी ऑफ द प्रिंसिपल्स विच आर डिफाइंड इन द यूके स्टीवर्डशिप कोड और आप अगर ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आपको ये रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी एफआरसी को और एफआरसी उसको इवैल्यूएट करके उसका आंसर देगा आंसर देने का मतलब है है। है। कि कि वो में करेगा किस तरीके से आपने इन principles को किया किया। और कितनी integrity के साथ इसको ठीक कहते कहते हैं 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 ये देखते हैं क्या लिखा है। कहते सबसे पहले इस की एक नई बात ये थी पुराने के में कि इन्होंने stewardship की डेफिनेशन दी कहते हैं कहते हैं इन्होंने स्टीवरशिप क्या बोला कहते हैं स्टीवरशिप एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग एक्टिविटी है एक ऐसा मैनेजमेंट एक्टिविटी है एक ऐसा एलोकेशन एक्टिविटी है जहां पे आपको पता लगता है कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उसको कैसे मैनेज करना है उसको कैसे मॉनिटर करना है सो दैट इट शुड क्रिएट अ लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर क्लाइंट्स एंड बेनिफिशरीज लीडिंग टू सस्टेनेबल बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी

वो असेट्स सेफ गार्डेड मैनर में लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए कर सके। कहते जो ये ये ओनर और मैनेजर होते हैं, ये एक बहुत बड़े प्लेयर होते हैं जो पब्लिक का पैसा उठाकर एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो असेट ओनर और मैनेजर हैं, यहां पे मैं सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि अभी आप उसका पढ़ कर आए हो यहां तो मैं बोल रहा हूँ कि एक म्यूचुअल फंड हो सकता है एक पेंशन फंड हो सकता है एक बैंक हो सकता है एक इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है कह रहे हैं बहुत सारी लिस्टेड एंटिटीज भी इवन फाइनेंशियल लिस्टेड एंटिटीज हो सकती हैं जो ये काम करती हैं। और यहां पर इन लोगों को बोला जा रहा है कि जो कैपिटल ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इन इन्वेस्टिंग कंपनी दैट कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी

क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में ये तीन चीजें कवर होती हैं ठीक है कहते हैं यूके स्टीवर्डशिप कोड 2020 इज अ सब्सटेंशियल एंड एम्बिशियस रिवीजन टू द 2012 एडिशन ऑफ द कोड व्हिच टेक्स इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 एंड यूके स्टीवर्डशिप कोड 2020 सेट्स हाई स्टीवर्डशिप स्टैंडर्ड्स कहते हैं जो ये नया कोड है ये स्टैंडर्ड सेट कर रहा है फॉर एसेट ओनर्स फॉर असेट मैनेजर्स एंड फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स सर्विस प्रोवाइडर्स में आते हैं लाइक प्रॉक्सी एडवाइजरी फॉर्म्स डेटा मैनेज करने वाली फॉर्म्स एनालिसिस करने वाली फॉर्म्स डेट सपोर्ट जो हेल्प करती असेट ओनर्स की और असेट मैनेजर्स की तो कुल मिला के हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये कोर्ट जनरली जो सिग्नेटरीज होते हैं इस कोर्ट के जनरली वो असेट ओनर्स होते हैं जिसके थ्रू वो बताते हैं कि हम कैसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर कर रहे हैं

इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को करके अपनी वर्किंग में मोल्ड कर सकते हैं कहते हैं और हमको इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करना वी नीड टू ओनली नो द कि हमको ये ध्यान देना है कि प्रिंसिपल एक्चुअल में है क्या उसको ब्रीफ में लिख कर आने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी

देयर इन्वेस्टमेंट बिलीफ वो कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं देर इज स्ट्रैटेजी एंड कल्चर इनेबल स्टीवरशिप और क्या उन्होंने स्टीवरशिप कंसेप्ट को अपने कल्चर में ही अडॉप्ट कर लिया है डैट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर क्लाइंट एंड बेनिफिशरीज लीडिंग टू सस्टेनेबल बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी द एनवायरमेंट इन सोसाइटी ये तो मेन पर्पस ही है ना स्टीवरशिप पर यह तो ऊपर भी आप पढ़ कर रहे हैं बट यहां पर बोला गया है कि सिग्नेटरी अपने पर्पज को एक्सप्लेन करें कि उनका क्या मेन पर्पस है उनका इन्वेस्टमेंट बिलीफ उनकी स्ट्रैटेजी, वो किस तरीके से क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका कल्चर इस तरीके से बना होना चाहिए कि स्टीवरशिप कूट -कूट के भरा सेकेंड नंबर सिग्नेटरीज गवर्नेंस देर रिसोर्सेस एंड इंसेंटिव सपोर्ट स्टीवरशिप कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस एक्टिविटीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो रिसोर्स मॉनिटरी भी हो सकते हैं मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में भी हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं एंड इंसेंटिव और उनकी जो वर्किंग है वो सपोर्ट करनी चाहिए स्टीवरशिप कोर्ट को ठीक है थर्ड नंबर सिग्नेटरी शुड मैनेज कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड सिग्नेटरीज हैिगार्डिंग पॉलिसी फ्रेम करनी होगी कि कभी अगर इन्वेस्टिंग कंपनी का इंटरेस्ट क्लैश कर जाता है विद्रेस्ट ऑफ द क्लाइंट तो किस तरीके से क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए फोर्थ नंबर सिग्नेटरीज आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू मार्केट वाइड एंड सिस्टमेटिक रिस्क किस क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग कंपनी के ऊपर किसी तरीके का रिस्क है तो यहां पे इन कंपनीज को ध्यान देना होगा कि उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए क्योंकि कही कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग कंपनी का रिस्क विल बिकम अ रिस्क ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी और से इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर क्यों क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग कंपनी रिटर्न नहीं देगी तो रिस्क क्रिएट हो जाएगा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के लिए और अल्टीमेटली यही रिस्क आ जाएगा पॉलिसी होल्डर्स पर या हम कह दें अल्टीमेटली बेनिफिशरीज पर ठीक है कहते हैं फिर प्रिंसिपल नंबर फाइव आया कह रहे हैं सिग्नेटरीज मस्ट रिव्यू देयर पॉलिसीज एंड अश्योर देयर प्रोसेस एंड असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्टिविटी कहते टाइम टू टाइम सिग्नेटरीज को अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना होगा रिव्यू करने के बाद अपने प्रोसेसिस में अश्योरेंस लानी होगी कि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं डेट इज वेल एंड वेल ऑब्जर्व एंड वेल प्रिपेयर एंड उसके बाद चेक करना होगा कि इफेक्टिवली उनकी एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए इसका हम लोग कुल मिला के यहां पे जो सिग्नेटरीज है सिग्नेटरीज यहां पे कौन है जो इस कोड को फॉलो कर रहे हैं

और उनको बार बार एक्सप्लेन करिए कि जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट करने का क्राइटेरिया क्या है क्या सोचकर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक में कर है? और उसी में कर अगर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक में करता है, तो कुछ तो सोच समझ के करता होगा ना तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जो रीजनिंग है वो दिखानी होगी टू तो दिफिशरीज जिससे बेनिफिशरी उनके कंट्रोल में उनके लूप में आ सके ठीक है कहते हैं फिर उसके बाद जो स्टीवरशिप एक्टिविटीज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अडॉप्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी बताइए किसको बताइए बताइए टू द अल्टीमेट बेनिफिशरीज ठीक है कहते हैं प्रिंसिपल नंबर सिग्नेटरीज सिगने, सिस्टमैटिकली इंटीग्रेट स्टीवरशिप एंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं ये सिग्नेटरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में दो चीज़ों को लेकर चले इन्वेस्टमेंट भी और इन्वेस्टमेंट के बाद होने वाली स्टीवरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को

मॉनिटरिंग एक्टिविटी अपनी हमेशा रखिए और रिस्पांसिबिलिटी दीजिए जिससे कि अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो सके क्योंकि द द पर्सन विल बी फॉर सर्टन अकाउंटेबल अगर वो अपनी रिस्पॉसिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता तो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पहला नंबर आया पर्पस एंड गवर्नेंस सेकंड नंबर आया इन्वेस्टमेंट अप्रोच जहां पे तीन प्रिंसिपल्स कवर हुए नाउ कमिंग अप ऑन द थर्ड प्रिंसिपल विच इज एंगेजमेंट एंगेजमेंट अगेन में बोलू यहां पे फिर से लिख लेते हैं देखो पर्पस एंड गवर्नेंस सेकंड नंबर आई

एंड प्रिंसिपल सिग्नेटरीजरी एसक्लेट स्टीवरशिप एक्टिविटीज टू इन्फ्लुर्स और इस स्टीवरशिप एक्टिविटीज के थ्रू आप इशूर्स को इन्फ्लुएंस करिए इन्फ्लुएंस करिए कि किस तरीके से वो वर्किंग करें जिससे कि बेनिफिशरीज का इंटरेस्ट कभी भी एडवर्स पोजिशन पर ना पहुंचे एंड कमिंग अप ऑन द लास्ट प्रिंसिपलिपल नंबर ट्वेल्व दैट इज एक्सरसाइजिंग राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज सिग्नेटरीज आर एक्टिवली रिक्वायर टू एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म क्लियर हो गया ये बारह प्रिंसिपल्स हो गए और ये बारह प्रिंसिपल्स को आपने चार हेडिंग्स में कवर किया एक पर्पस गवर्नेंस एक इन्वेस्टमेंट एक एंगेजमेंट और एक अभी आपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अब आते हैं प्रिंसिपल्स फॉर सर्विस प्रोवाइडर ये सर्विस प्रोवाइडर कौन है आप अपने दिमाग में हमेशा लेकर चलिए एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फॉर्म क्योंकि बहुत सारे बार बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा देखा गया है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म अपॉइंट कर लेते हैं इस कंसेप्ट को आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कह रहे प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म करती क्या है हेल्प करती है टू द असेट ओनर्स एंड द देट मैनेजर्स एक पर्टिकुलर कंपनी की डिसीजन लेने के रिगार्डिंग मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म अब उस कंपनी पर रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है तो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म फिर राय देती है अपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म के राय पर आगे रिलाई करते हुए डिसीजन लेता है

Them to Is तरीके से आप इन सर्विस को कंट्रोल करिए वो सर्विस प्रोवाइडर आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेन को समझ सकें आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझ सकें आपकी स्ट्रेटजी मेकिंग को समझ सकें और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंटरीज गवर्नेस वर्क फोर्स रिसोर्स एंड इंसेंटिव इनबल्सिगोरशिप जो सिग्नेटरी यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर फॉर्म यहाँ सिग्नेटरी बन रही है वो बताएं कि वो किस तरीके से वर्क करती हैं वो किस तरीके से वर्क फोर्स को अप्लाई करती हैं किस तरीके से अपनी रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं जिससे कि स्टीवरशिप प्रिंसिपल इफेक्टिवली प्रमोट हो सके अच्छा कुल मिला हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर फॉर्म्स है ना वो सिग्नेटरी बन रही है और वो बोल रही हैं कि हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम स्टीवरशिप रिस्पॉसिबिलिटी को बियर करते हैं अब ध्यान से देखिए एक है बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी पैसा लगाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फिर फर्दर पैसा लगाता है कंपनी में लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सिर्फ एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाता वो तो दस जगह पैसा लगाता है इसके पास तो बहुत सारा पैसा है एक पोर्टफोलियो तैयार होता है और उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे वो जगह जगह इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन हर इन्वेस्टमेंट कंपनी में वो अपना नजर नहीं बना के रख पाता इसलिए बीच में आती है सर्विस प्रोवाइडर फंड और ये सर्विस प्रोवाइडर क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अरे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आपके पास टाइम नहीं है हम ध्यान देंगे लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन से सर्विस प्रोवाइडर को अपॉइंट करें अपने डिसीजन लेने के लिए प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म अगर बहुत सारी हो सकती हैं तो कौन सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन सी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म अपॉइंट करे ये बहुत बड़ा डिसीजन है तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर अगर इस कोर्ट का पार्ट बनती हैं और इस कोर्ट के सिग्नेटरी बन जाती हैं तो वो भी यहाँ पे एक तरीके से बताती हैं कि हम क्योंकि इस कोर्ट को एडॉप्ट कर रहे हैं हमने भी स्टीवरशिप क्वालिटीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है हम भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं आप हम रिलाई कर सकते हैं और हम आपके बिहाफ पे प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे ठीक है तभी यहां पे बोला गया कि ये बात हो रही है कि सर्विस प्रोवाइडर की गवर्नेंस कैसी है उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है उनका वर्कफोर्स कैसा है उनकी रिसोर्सेज कैसी हैं क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं क्या मैकेनिज्म है उनके पास जिससे कि वो इफेक्टिव स्टीवरशिप को प्रमोट कर सके ठीक है देन कमिंग अपॉन प्रिंसिपल नंबर थ्री दैट इज सिग्नेटरीज आइडेंटिफाई एंड मैनेज कन्फ्लिक्स ऑफ इंटरेस्ट एंड पुट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट्स फर्स्ट और यहां पे सिग्नेटरीज जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये कोशिश करती हैं कि कंफ्लिक्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उनको मैनेज किया जाए खत्म करने की कोशिश की जाए जिससे कि क्लाइंट्स का इंटरेस्ट स्टेक पर है ठीक है प्रिंसिपल नंबर फोर सिग्नेटरीज आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू मार्केट वाइड एंड सिस्टमैटिक रिस्क ये सारे पॉइंट्स ऊपर भी थे अलग कुछ नहीं है आप अगर ऊपर वाले प्रिंसिपल्स याद कर लेंगे तो नीचे वाले अपने आप याद हो जाएंगे बट वो प्रिंसिपल से एसेट ओनर्स और मैनेजर्स के लिए ये प्रिंसिपल से सर्विस प्रोवाइडर और और सिग्नेटरी बनेगा तो बारह फॉलो करने बट सर्विस प्रोवाइडर सिग्नेटरी बनेगा इस का तो उनको सिर्फ छह फॉलो करने और मार्केट वाइज फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऊपर वाला नीचे आए तो ध्यान से सिग्नेट्रीज सपोर्ट क्लाइंट्स इंटीग्रेशन ऑफ स्टीवरशिप एंड इन्वेस्टमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट मटेरियल एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज एंड अंडरटेकन

जाकर चेक करते हैं कि क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन उसके बिहाफ पे जाकर उसके बेसिस पे वोटिंग डिसीजन लेता है तो सर्विस प्रोवाइडर फर्म को भी यहाँ पे ध्यान देना होगा उनको भी इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए तभी तो वो हेल्प कर पाएंगे एडवाइस देने में एंड एट एंड सिग्नेटरीज रिव्यू देयर पॉलिसीज एंड देयर प्रोसेस टाइम टू टाइम सिग्नेटरीज अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करते चलें और अपनी प्रोसेसिस में अश्योरेंस लेकर आए कि अश्योरिटी के साथ वो रिलाई कर सकें उस पर तो दीज वर द टोटल 18 प्रिंसिपल्स आर गिवन अंडर द न्यू

तो इन्जॉय यो डे इन्जॉय यो क्लास अब जिस तरीके से भी आप नोट्स बना लीजिए इसके अच्छे तरीके से और इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा जैसे कि उनको भी पता लग सके सप्लीमेंट्री में क्या क्या एड ऑन हुआ है तो टिल देन गुड बाय इंजॉय यो डे आगे मैं और रिविजन क्लासेस डालूंगा तो उसके लिए अपडेट जरूर रहिएगा टिल देन गुड बाय